सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जिन वैज्ञानिकों की भूमिका है उसमें रितु करिधाल भी हैं। लखनऊ की रितु करिधाल ने नवयुग गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की थी और हम इस वक्त नवयुग गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट्स के साथ हैं। जय भारत जय विज्ञान, आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और इसके पीछे भारतीय वैज्ञानिकों ने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, उसको भी लोग सलाम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 आज सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जिन वैज्ञानिकों की भूमिका है उसमें रितु करिधाल भी हैं। लखनऊ की रितु करिधाल ने नवयुग गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की थी और हम इस वक्त नवयुग गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट्स के साथ हैं और इनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई पड़ रही है, वैसे तो इन सबके एग्जाम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी वैज्ञानिक जो आज इतने बड़े मिशन के पीछे हैं, आपके कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, क्या कभी उनसे मिलने का मौका मिला है आप? यस मैम, 2019 को हम लोगों की मुलाकात नवयुग इंटर कॉलेज में हुई थी मैम से और वो काफी अच्छा मोटिवेशन टाइम था हम लोग के लिए और हम लोग की तो स्टार्टिंग ही थी पढ़ाई से, तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन रहा हम लोगों का और मैम उसी की वजह से हम लोगों ने उनके नेतृत्व में 2 लाइन भी गाने को सोचा है। और अच्छा सुनाइए। ओके, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब अब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन आज ही का है ऐसा सबको पता है। आप बताइए क्या आपकी मुलाकात हुई थी और आपको लगा कि इतनी बड़ी साइंटिस्ट जिन्होंने आपके कॉलेज से पढ़ाई की है, हम लोगों को उनसे मिलके और हम लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत प्राउड की बात है कि वो हमारे कॉलेज से पढ़ी और हम लोग भी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि मौका मिला है हम लोगों को। अच्छा एक बात और बताइए, साइंस की पढ़ाई को लेकर के आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये कहा जाता है और खासतौर पर स्पेस साइंस जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं कि गर्ल्स बहुत कम उनकी तैयारी करती रही होंगी उस समय जिस समय उन्होंने पढ़ाई की, तो आपको कोई मोटिवेशन मिली इससे? यस मैम, इससे ये मोटिवेशन कि गर्ल्स भी कुछ कर सकती हैं अपने लिए और देश के लिए भी कुछ कर सकती है, तो उनसे ये उत्साह मिली है कि हम कुछ भी हो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी और कोई भी हर्डल आए, क्योंकि चंद्रयान 2 की जहां तक बात है उसके बाद फिर से तैयारी करके नए सिरे से नए हौसले से आगे आया भारत और भारतीय वैज्ञानिक। आप कितने खुश हैं भारतीय के तौर पर, आज सबके लिए खास मौका है। हम बहुत खुश हैं, जैसे कि हमारे जो है भारतीय चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और आज सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है, इसलिए जो है हमारी टीचर्स जिन्होंने जो है इतना मतलब हमारे कॉलेज को, हमारे जो है जितने भी जो है स्टूडेंट हैं इनको तैयार किया इतने आगे तक के हमारे जो क्या कहते हैं स्टूडेंट गए हैं, तो अच्छा ये बताइए कि जो अपडेट्स हैं जैसे वो कैसे जब लॉन्च हुआ उसके बाद से आज सॉफ्ट लैंडिंग है, तो क्या आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहे या टेलीविजन चैनल्स पर फॉलो करते रहे, किस तरह से? सोशल मीडिया में फॉलो करते थे, उसी से जानकारी मिलती है जिस प्रकार चल रही है। चीज को फॉलो किया जी मैम, और बहुत प्राउड फील हुआ है कि इन्होंने इस स्कूल में पढ़ाई की है, बहुत गौरव की बात है कि मैं भी इस स्कूल से पढ़ाई कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत गौरव की, जैसे कि सभी जानते हैं चंद्रयान 3 हमारे भारत का इतना बड़ा मिशन है और चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य जैसे लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना है और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट इस मिशन पे इतनी बड़ी पोस्ट पे है, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम ही नहीं हम जैसी हजारों लड़कियों के लिए बहुत ही गर्व, बहुत गौरव की बात है। आज स्कूल के लिए कितने बड़ी बात है, कितना बड़ा दिन है, वैसे बड़ा दिन तो देश के हर नागरिक के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी हमारे लिए और हमारे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट होने जा रहा है और उससे भी ज्यादा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधाल जी जो कि हमारे नवयुग की और भारत की बेटी हैं, उनके लिए हम सब सुबह से ही बहुत उत्साहित हैं। आप देख ही रही हैं कि हमारी छात्राओं में कितना जोश भरा हुआ है और मुझे लगता है कि इस तरह का अचीवमेंट हमारे बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेगा। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, लेकिन कॉलेज की जो प्रिंसिपल है मंजुला उपाध्याय जी, गर्ल्स की जब बात होती है, हालांकि आज गर्ल्स सब कुछ कर रही है लेकिन उसके बावजूद जैसे इस कॉलेज की स्टूडेंट रितु करिधाल रही हैं, तो आज कितने बड़े मोटिवेशन की बात ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है और खासतौर पर आपकी जो गर्ल्स से बात हुई है, स्टूडेंट से बात हुई है, उसमें किस तरह की बात इन दिनों रही है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ?
जब से लॉन्च हुआ है और आज तो लैंडिंग भी है, तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स और प्रिंट मीडिया हम लोग के कॉलेज में आए, तो बच्चों को पता भी चलता है कि हमारी एलुबनाए जो हैं इतने आगे गई हैं। यहाँ से उन्होंने मान लीजिए बात की पढ़ाई तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से की, पर फिर भी अगर बेस जो है, क्योंकि अगर नींव मजबूत है तभी लोग आगे जाते हैं, और क्योंकि रितु जी यहाँ पे 2019 में आई भी थी तो इसलिए बहुत सारे बच्चे उनसे संपर्क में भी रहे, टीचर्स हमारे बीच जो हैं वो उनसे संपर्क में रहे, और महिलाएं अपना एक नया स्थान बनाती हैं वो भी एक हमारे लिए गौरवशाली क्षण है, पर साथ ही साथ ये भी कि विश्व में आज हम विजय पताका फहराएंगे, यही इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ आप में से बेस्ट ऑफ लक मंजुला जी कह रही हैं, सब पूरा देश यही कह रहा है। आप लोगों में से किसी से मुलाकात 2019 में जब आई थी तब तो वो एक बार आई हैं और अपने बच्चे भी लेके आई थी और हम लोगों ने उनसे मिला, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आज तो उन्होंने जो बीच में एफर्ट डाला उस एफर्ट का रिजल्ट देखना है, और हम लोग सफल उसकी लैंडिंग की बस प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद तो हिपे फुर रहे हैं। बिल्कुल, तो तैयारी जश्न की है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश इसकी तैयारी में है, लेकिन खासतौर पर वो कॉलेज जहां से रितु करिढाल ने पढ़ाई की थी, जो इसके पीछे एक लीडिंग साइंटिस्ट हैं, और उनको जो उनका जो गर्व है इस कॉलेज में, जो उनको लेकर के गर्व है वो भी दिखाई पड़ रहा है, तो दोहरी खुशी नवयुग गर्ल्स कॉलेज में है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।